Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel The Story of My Life by Helen Keller. Now the seventh chapter, the summary of the seventh chapter. In October 1894, Helen went to the Wright Hamilton School for the Deaf in New York. October 1894 में Helen Wright Hamilton School पहुँचती है for जो कि school है New York के अंदर deaf students के लिए. And city for 2 years, 2 साल के लिए. Miss Sullivan accompanied. Miss Sullivan जो हैं उसके साथ साथ जाती हैं and attend the school as her interpreter. और उसके साथ साथ स्कूल भी अटेंड करती हैं क्योंकि वो एक इंटरप्रेटर का काम करती हैं. जो भी उसे वहाँ देखता और सुनाई देता वो सब उसे हेलन को समझाती. हेलन स्टडीड अर्थमेटिक. हेलन जो है वहाँ अर्थमेटिक की स्टडी लेती है, फिजिकल की और ज्योग्राफी, फ्रेंच और जर्मन की स्टडी वहाँ करती है एट द स्कूल. द स्कूल वॉज चूजन बिकॉज इट वॉज द बेस्ट फॉर कंटेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ हेलन स्पीच. ये स्कूल इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये हेलन के अंदर उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा था, उसकी स्पीच के लिए और स्पेशली उसके लिप रीडिंग स्किल के लिए. हेलन एंड हर टीचर्स वर डिसअपॉइंटेड. लेकिन हेलन और उसके जो टीचर हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं बिकॉज हर लिप रीडिंग एंड स्पीच स्किल्स वर नॉट व्हाट दे हैड होप्ड. क्योंकि जो उसके लिप रीडिंग थी और जो उसका स्पीच का तरीका था वो बिल्कुल मैच नहीं करता जैसा कि उन्होंने सोचा था. एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पाइट द प्रैक्टिस. और फिर उसे प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है. हेलन डिड नॉट लाइक मैथ. यहाँ पर हेलन को मैथ बिल्कुल पसंद नहीं आता. इन स्पाइट ऑफ द सेटबैक्स. और वो इसके बावजूद कि वो पीछे रहे, हर एडमिरेशन फॉर ज्योग्राफी, उसका जो लाइक था ज्योग्राफी के लिए बढ़ता है एंड लैंग्वेजेस के लिए. एंड ये उसकी मदद करता है, हेल्प करता है टू फॉर्म फाउंड मेमोरीज ऑफ हर स्टे इन न्यूयॉर्क. और इसी वजह से वो न्यूयॉर्क में रुकती है. द ओनली थिंग शी लाइक अबाउट न्यूयॉर्क वॉज सेंट्रल पार्क. जो सबसे अच्छी चीज़ उसे न्यूयॉर्क में लगती है वो था सेंट्रल पार्क. द डेली वॉक्स इन सेंट्रल पार्क. और वो यहाँ से डेली सेंट्रल पार्क में जाती है. एंड द क्लोजनेस टू नेचर वर द टू थिंग्स. और नेचर के प्रति उसके नज़दीकियाँ, ये दो चीज़ें जो थीं वो उसे बहुत पसंद करती थीं. एंड दैट हेल्प हर गेट क्लोजर टू हर फॉर्मर लाइफ इन हर कंट्री. और ये उसको याद दिलाती थी उसकी फॉर्मर लाइफ के बारे में, उसके शुरुआती जीवन के बारे में जो उसने अपने देश के अंदर, अपने गाँव के अंदर महसूस किया था. This was the summary of the 17th chapter. Press the like button and subscribe the channel. Thank you.